जयपुर में नहीं थम रहे तेंदुए के हमले। नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। उदयपुर में एक तेंदुए ने दहशत फैला रखी है। वह पिछले कुछ दिनों से लगातार कई हमले कर चुका है। उसने ऐसे ही सकालदा गांव में एक किसान और एक युवक पर हमला कर दिया। यह किसान और युवक अपने गेहूं के खेत में पिलाई का काम कर रहे थे, तभी घात लगाए तेंदुए ने उन दोनों पर हमला कर दिया। हमले की आवाज और चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों से कई किसान वहां भाग कर आए। उन सभी को देखकर तेंदुआ वहां से गायब हो गया। सभी लोगों ने मिलकर पुलिस और वन विभाग को इस घटनाक्रम की सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और किसान और उस युवक को अस्पताल ले जाकर उन दोनों का उपचार कराया गया। इसके बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की बातचीत लोगों से करने लगी। इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की वनपाल सोनम मीणा भी वहां पर पहुंची। वहां पहुंचकर वह लोगों से इस घटनाक्रम का जायजा ले ही रही थी कि तभी तेंदुए ने फिर से पीछे से हमला कर दिया। इस बार तेंदुए ने एक नन्हे बालक पर हमला किया था और उसे बचाने के लिए निडर तरीके से सोनम मीणा आगे बढ़ी। उन्हें देखकर लोगों में भी हिम्मत आई और सभी ने हो हल्ला कर उस तेंदुए को वहां से जैसे तैसे भगा दिया। बच्चे को गंभीर चोटें आईं और सोनम मीणा उसे स्वयं अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल लेकर गईं। उनको भी इस पूरी घटना में कई गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने वन विभाग की टीम और पुलिस से जल्द पिंजरा लगाकर इस तेंदुए को पकड़ने की मांग करी है। यह तेंदुआ कई खेतों में किसानों का बहुत सारा नुकसान कर चुका है और साथ ही साथ कई छोटे जानवरों को भी खा चुका है। दिन पर दिन इस तेंदुए के शिकार बढ़ते ही जा रहे हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये किसी को नहीं छोड़ रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है और सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। किसान अपने खेतों में जाने से भी इतना डर रहे हैं कि वह घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। इस पूरे मामले में वन विभाग की टीम की लापरवाही दिख रही है। जब इतने दिन से तेंदुआ ऐसे हमले कर रहा था तो उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाए? साथ ही साथ गांव वालों ने भी वन विभाग को इस घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया। उन्हें बताना चाहिए था कि तेंदुआ हमला कर छोटे छोटे जानवरों को खा रहा है। अगर वो पहले ही वन विभाग को यह सब बता देते तो शायद यह मामला इतने आगे तक बढ़ता ही नहीं। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें।